केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के एलजी पर लगाया आरोप, मचा बवाल। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से ये देखा जा रहा है कि दिल्ली के एलजी साहब दिल्ली सरकार के हर कामों में दखल डालने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि संविधान में हर जगह लिखा है कि पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर एलजी का अधिकार है, सारे निर्णय लेने का अधिकार एलजी साहब के पास है। केजरीवाल ने इसके आगे कहा कि इसके अलावा सारे सब्जेक्ट दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, लेकिन एलजी साहब इसमें भी दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा है। पिछले कुछ महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मामलों में एलजी साहब का हस्तक्षेप दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ऐसा प्रतीत होता है इस हस्तक्षेप से कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों में बाधा पहुंचाई जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों के जो ज़रूरतें हैं, जो सपने हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे, उनके काम रुकते जा रहे हैं। उन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आज मैं एलजी साहब से मिला था, और मेरी मंशा यही थी कि अगर हमारे कानून और संविधान को समझने में कुछ गलत फहमियाँ हैं या आपसी डिफरेंसेस हैं समझ में, तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, हम लोग एक ही पेज पे आ सकें। मैं ये सारी किताबें लेके गया था, देश का संविधान लेके गया था, मोटर व्हीकल्स एक्ट लेके गया था, GNCTD एक्ट लेके गया था, स्कूल एजुकेशन एक्ट लेके गया था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सारे लेके गया था उनसे चर्चा करने के लिए। काफ़ी लंबी चर्चा हुई। हम लोग जानते हैं कि दिल्ली में दो सब्जेक्ट्स हैं, दो किस्म के, एक तीन सब्जेक्ट्स हैं, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर। संविधान में लिखा है कि ये तीनों सब्जेक्ट्स पे सारे निर्णय लेने का अधिकार एलजी साहब के पास है। इन तीनों को हम रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स कहते हैं कि ये एलजी साहब के लिए रिजर्व हैं ये तीनों सब्जेक्ट्स। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, सड़क है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स दिल्ली सरकार, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के दायरे में आते हैं। इनको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कहा जाता है कि ये ट्रांसफर कर दिए गए हैं चुनी हुई सरकार को। तो मोटे मोटे तौर पे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स तीन हैं जो कि एलजी साहब के पास हैं, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो हैं वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास हैं। 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, संविधान पीठ ने एक जजमेंट पास किया था दिल्ली की चीफ सरकार को लेके, जिसको मैं आज आपके सामने कोट कर रहा हूँ। ये जजमेंट है, इस जजमेंट में साफ साफ लिखा है दो जगह, एक लिखा है द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड विद एनी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को इंडिपेंडेंटली कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, ये संविधान पीठ में लिखा हुआ है। ये दूसरा एक और पेज, ये 231 पेज पे मैंने दिखाया, एक और पेज आता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस। इससे ज्यादा बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस अदर देन मैटर्स वेयर ही हैज टू एक्ट एज जुडिशियल अथॉरिटी। मतलब कहीं जैसे किसी की दो पार्टियों की सुनवाई करनी हो, कई बार जैसे राशन की दुकान के कैंसिल करने का होता है दोनों पार्टियों के, ऐसे कुछ एक मुद्दे लेके जहाँ पे एलजी साहब एक न्यायाधीश की तरह एक्ट करते हैं, और किसी भी पावर उनके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है, ये दोनों में लिखा हुआ है। इससे क्या सा, ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप लोगों के पास है, इसको जरा सा अच्छे से चला दीजिएगा टीवी पे भी, और उसको कल अखबारों में भी हेडलाइन छाप दीजिएगा दैट एलजी हैज नो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एलजी साहब ने जो जैस्मिन का दफ्तर सील करने के ऑर्डर दिए वो इलीगल थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। इसका मतलब जो एलजी साहब ने एल्डरमैन 10 बनाए वो इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था।
इसका मतलब जो एलजी साहब ने प्रेजाइडिंग ऑफिसर के ऑर्डर पास किए वो इलीगल थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। इसका मतलब जो 164 करोड़ रुपए की रिकवरी के ऑर्डर एलजी साहब ने पास किए वो इलीगल थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। इसका मतलब जो दिल्ली के टीचर्स को फिनलैंड जाने से रोका जा रहा है उसके ऑर्डर्स जो है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका मतलब दिल्ली के अंदर जो योगा क्लासेस बंद की गई वो इलीगल था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। मैंने ये ऑर्डर अभी एलजी साहब को दिखाए, मैंने कहा सर ये देखो दो पेज, ये दो लाइन पढ़ लो आप, अब मेरे को बताओ जब सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि आपको कोई आदेश इंडिपेंडेंटली पास करने की वो नहीं है, आज़ादी नहीं है, तो आप कैसे पास कर रहे हो? तो एलजी साहब कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं संविधान में लिखा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है, किसी भी विषय पे कर सकता है। मैंने कहा सर इसका क्या मतलब हुआ? कहते हैं कि अगर सर मुझे लगेगा कि सरकार कुछ गलत काम कहीं कर रही है तो मैं किसी को भी कोई भी आदेश दे सकता हूँ। मैंने कहा सर ये रिजर्व सब्जेक्ट ट्रांसफर सब्जेक्ट कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी अफसर को कोई भी आदेश दे सकता है, ये मुझे पावर है। तो मैंने कहा सर कल को मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहती है कि मैं मोदी जी के काम से खुश नहीं हूँ और वो गलत काम कर रहे हैं तो वो आदेश दे सकती है? कहते नहीं वो अलग है, दिल्ली के केस में मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं सुप्रीम हूँ और मेरे को सारी पावर्स हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है, इसको मैं नहीं मानता। मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा जब उन्होंने ये कहा। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप चीफ सेक्रेटरी से सीधे फाइलें अपने पास मंगाते हैं और चीफ सेक्रेटरी को सीधे फाइलें आप नीचे भेजते हैं, सरकार जो है वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल से चलती है, ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल है। मैंने उनके सामने रखे, मैंने कहा सर इसमें कहाँ लिखा है कि आप सीधे चीफ सेक्रेटरी को फाइल भेज सकते हो या उससे मंगा सकते हो? उन्होंने फिर कहा कि ये रूल्स मेरे ऊपर लागू नहीं होते, मैं किसी भी अफसर को कोई भी फाइल भेज सकता हूँ, किसी भी अफसर से कोई भी फाइल मंगा सकता हूँ, किसी भी अफसर को कोई भी डायरेक्शन दे सकता हूँ, मुझे कोई। तो मैंने फिर उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि ये जो एल्डरमैन का आपने ऑर्डर किया ये आपने कौन से कानून में किया? तो उन्होंने कहा कि उसमें लिखा हुआ है एमसीडी एक्ट में कि एडमिनिस्ट्रेटर शैल अपॉइंट एल्डरमैन, तो चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है तो मेरी पावर है। तो मैंने कहा सर आज मैंने पूरी रिसर्च की है, दिल्ली का एक भी कानून ऐसा नहीं है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर ना लिखा हो, एजुकेशन एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, डीएमसी एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, पानी के एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, बिजली के एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, हेल्थ के एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर, हर जगह एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, क्योंकि दिल्ली तो राज्य 92 में बनी थी, उसके पहले तो एडमिनिस्ट्रेटर ही होता था दिल्ली के अंदर, तो सारे कानून तो उसके पहले के चले आ रहे हैं, उसके बाद तो कोई नया कानून बना नहीं है, बिजली में भी, पानी में भी, सड़क में भी, सब में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है। तो कहते हैं सारे फिर मैं करूँगा। तो मैंने कहा फिर सर मैं क्या करूँगा? तो कहते वो आप जानो। तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी? मैंने कहा सर फिर तो ये जो संविधान की पीठ का ऑर्डर है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, रिजर्व सब्जेक्ट है, इसका कोई मतलब ही नहीं बचा, फिर तो सारे काम एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। उनकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब सारे काम कोई करेंगे। मैंने फिर उनको दो ऑर्डर और दिखाए, ये संविधान की पीठ, ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर और ऑर्डर आया है जो 2019 में आया था, इसमें साफ साफ लिखा है एक कानून के अंदर, दिल्ली के कानून में गवर्नमेंट मींस एलजी, और उसके नीचे इन्होंने लिखा है रीडिंग द एफोरसेड डेफिनेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट वुड क्लियरली मीन दैट एलजी हियर हैज टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जहां एलजी लिखा है वहां भी एलजी जो है वो चुनी हुई सरकार के हिसाब से काम करेगा, मैंने ये दिखाया। मैंने ये हाई कोर्ट का एक और ऑर्डर उनको दिखाया, ओपी पाहवा का 1998 का जजमेंट है जिसमें साफ साफ लिखा है, मोटर व्हीकल्स एक्ट में साफ साफ लिखा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, लेकिन उन्होंने कहा ही हैज टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। मैंने कहा सर इनमें साफ साफ लिखा है कि जहां एलजी भी लिखा है वहां भी आपको चुनी हुई सरकार के हिसाब से काम करना है। वो कहते हैं उनकी राय हो सकती है, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मेरे पास सुप्रीम पावर है। मैंने उनको कई बार कहा कि हम मिलके काम करना चाहते हैं और इस तरह से दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है, रोज़ रोज़ के जो लड़ाई झगड़े हैं,
ये मैसेज भी अच्छा नहीं जाता कि आपस में एलजी और सीएम के बीच में इतने मतभेद हैं। मैंने बार बार उनसे निवेदन किया कि हम मिलके काम करना चाहते हैं सर, हम मिलके काम करना चाहते हैं, इस तरह से चुनी हुई सरकार को आप काम मत रोकिए। फिनलैंड के बारे में मैंने पूछा, सर आप फिनलैंड के लिए क्यों रोकना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा सर ये आपकी फाइल नोटिंग्स हैं, इसमें साफ साफ जाहिर है, दो बार आपको फाइल भेजी गई, दोनों बार आपने फाइल लौटा दी अलग अलग ऑब्जेक्शन लगा के। तो जब अलग अलग ऑब्जेक्शन बार बार लगाए जाते हैं तो मतलब यही होता है कि आप रोकना चाहते हो। आपने लिखा है कि इट इज़ नोटेड दैट अर्लियर एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ कंडक्टेड वेरियस फॉरेन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ सच प्रोग्राम्स, डिपार्टमेंट मस्ट प्लेस ऑन रिकॉर्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कि भाई ये जो टीचर बाहर जाएंगे इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मैंने कहा सर इस देश का सैनिक अपनी जान देता है, मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये महीना उसको तनख्वाह मिलती है। जिस दिन उस सैनिक ने अपनी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करनी चालू कर दी ना अपनी जान की, ना आप बचोगे और ना मैं बचूंगा। हम अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं और हम अपने बच्चों का जब भविष्य बना रहे हैं आप पूछ रहे हो उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगी। मैं कह सर मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, सारी तनख्वाह मैं अपने बच्चों पर लुटा देता हूँ। कल को अगर मैं ये देखना चालू कर दूँ कि मेरे बच्चों पर मैं जो कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। सर कई चीज़ों की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं होती, हम देश बना रहे हैं, हम राष्ट्र बना रहे हैं, इस देश का बच्चे बनेंगे तो राष्ट्र बनेगा, बच्चों का भविष्य बनेगा तो राष्ट्र बनेगा। तो जब आप इस तरह की कॉस्ट, मैंने कहा सर सीएम की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुई आज तक कि सीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एलजी की कॉस्ट बेनिफिट हुई है कि एलजी का दफ्तर जो है वो सरकार के लिए अच्छा है कि बुरा है? मैंने कहा टीचर्स, अभी ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, सारे देश के बड़े बड़े नेता स्विट्जरलैंड जा रहे हैं घूमने के लिए, उनकी कभी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं हुई? टीचर्स अगर फिनलैंड जा रहे हैं तो उनकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मांगी जा रही है, तो ये तो रोकने के लिए किया जा रहा है। मैंने उनको फिर बताया कि पिछले 3 महीने में लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में सारे ऑफिसर्स ने सारी पेमेंट्स रोक दी हैं, दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रोक दी गई हैं। नतीजन कई एसटीपी बन रहे थे हमारे, कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रहे थे, सबकी कंस्ट्रक्शन रुक गई है दिल्ली के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक्स में दवाइयां बंद कर दी गई हैं, टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, डॉक्टर्स की तनख्वाह बंद कर दी गई है, रेंट बंद कर दिए गए हैं, बिजली के बिल बंद कर दिए गए हैं। बस मार्शल्स की 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, दिल्ली की डीटीसी की बसों में जो बस मार्शल चलते हैं उनकी तनख्वाह नहीं मिली है, हॉस्पिटल के स्टाफ को तनख्वाह नहीं दी जा रही है, डीटीसी के अंदर तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, डीटीसी की पेंशन नहीं दी जा रही है, बिजली की सब्सिडी रोक दी गई है, ओल्ड एज पेंशन रोक दी गई है। अफसरों से जब पूछो तो अफसर कहते हैं कि एलजी दफ्तर से इनडायरेक्टली कहा गया है कि सब कुछ रोक दो, एमसीडी चुनाव के 3 महीने पहले सब कुछ रोक दिया गया ताकि एमसीडी चुनाव के अंदर हमें नुकसान हो। मैंने कहा सर आपने ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया। मैं कहा सर सारे अफसर जो भी दबी जुबान में बोल रहे हैं कि हमें एलजी ऑफिस से आदेश दिया गया कि सारी पेमेंट्स रोक। मेरी एलजी साहब से निवेदन है कि राजनीति अपनी तरफ चल अपनी जगह चलती रहती है, लेकिन इस तरह की राजनीति अच्छी नहीं है जो देश के और लोगों के विकास में घातक हो। और मैं फिर से उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि एक तो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल सलाहकार अपने साथ रख लें जो कि उनको एडवाइस करे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स बाइंडिंग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो है वो सलाह नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को सम्मान करें, संविधान का सम्मान करें, जनतंत्र का सम्मान करें। मैंने भी उनसे यही पूछा, वो बार बार जब उन्होंने दो बार कहा, एक बार बोला कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरे पास सुप्रीम पावर्स है, ये शब्द है उनके, मेरे पास सुप्रीम पावर्स है, मैं जो भी चाहूँ जिसको चाहूँ जिस सब्जेक्ट पे चाहूँ आदेश दे सकता हूँ। और दूसरी बार उन्होंने कहा कि ये जितने आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट की ये सारे एडवाइस हैं और मैं इनको नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि एक तो उनको भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि इस तरह से, मैंने उनसे काफ़ी निवेदन किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हमें मिलके काम करना चाहिए, हमें एक दूसरे के काम में अड़चन नहीं अड़ाने चाहिए। जनता देख रही है और आने वाली पीढ़ियाँ क्या कहेंगी कि हम जब हमें काम करना था तो हम किस तरह से आपस में इस तरह से एक दूसरे के काम में अड़चन अड़ा रहे थे। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहे हैं इस टाइम, उसका जो जजमेंट आएगा उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
न्यूज रूम से अमन बर्डियार की रिपोर्ट।